फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद गिरजा। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है आलू की सब्जी विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरे को थोड़ा फ्राई होने देते हैं। जब तक जीरा फ्राई हो रहा है यहाँ पर मैंने चार पोटैटो लिया है, ये देखिए, उसको फोर्क की सहायता से इस तरह से मैश कर लीजिए या किसी चम्मच की सहायता से मैश कर लीजिए। इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, एक लाल मिर्च सूखी, दालचीनी का एक स्टिक और दो तीन लौंग। इसको हम इसमें डाल देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक। अदरक को थोड़ा फ्राई होने देंगे। उसके बाद हमने इसमें डालना है टोमेटो प्यूरी। इसको चला देंगे। देखिए पोटैटो हमने मैश कर लिया है, थोड़ा बड़ा बड़ा पीस भी इसमें रहने दिया है, पूरी तरह से हमने इसको मैश नहीं किया है। एग्जैक्टली ऐसा ही हमें चाहिए था। देखिए इसमें पीसेस भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। सॉल्ट डालिए। टोमेटो फ्राई हो रहा है, इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। साथ में ऐड करेंगे जीरा पाउडर। ये हमने कसूरी मेथी को रोस्ट करके पीसा हुआ है, पाउडर कर लिया है, इसको हम डाल देंगे। आधा अभी डालेंगे, आधा हम बाद में डालेंगे। अच्छे से इसको फ्राई होने देते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक डालूंगी, दो पिंच काफी है। जैसे ही टोमेटो हो जाता है, ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है, यहाँ पर मैंने बारीक काट के रखा हुआ है धनिया पत्ती, इसमें से भी आधा धनिया पत्ती हम इसमें डाल देंगे, आधा गार्निश के लिए छोड़ देंगे। पोटैटो के इस करी में हम ऑनियन और गार्लिक यूज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। खड़ा गरम मसाले की वजह से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। नॉर्थ इंडिया में जैसे हलवाई की दुकानों में आलू की सब्जी मिलती है, वैसा ही ये सब्जी बनके रेडी होगा। देखिए ऑयल सेपरेट होने लग गया है, इस स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटो। साथ में ऐड करेंगे पानी।
ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप थोड़ी थिक करी पसंद करते हैं तो थोड़ा थिक रखिए, अदरवाइज इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। देखिए इसको बॉईल होने देते हैं, हमारी करी को पकते हुए 3 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से कुक हो गया, ये स्टेज में इसमें हम बचा हुआ कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। करी रेडी हो गया है, इसमें हम ऐड कर देंगे बचा हुआ धनिया पत्ता और गैस को बंद कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया करी बन के रेडी हुआ है, देखिए आप इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही बढ़िया करी बन के रेडी हुआ है। इसको हम सर्व करने वाले हैं गर्मा गर्म पूरी के साथ। पूरी के साथ बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है करी का। इसको सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से रेडी है आलू की सब्जी विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। ये सब्जी बिल्कुल हलवाई की सब्जी की तरह ही बनती है, जैसे शादियों में बनती है, और ये करी नॉर्थ इंडिया में ब्रेकफास्ट के साथ पूरी के साथ खाई जाती है। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।